हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर बहुत ही टेस्टी बनती है। ये बनाना बहुत ही इजी है, झटपट से बन जाती है और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होती है। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा और रेसिपी एंड तक देखिएगा। उसमें मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे आपकी दाल खिचड़ी रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दाल का प्रोपोर्शन और राइस का प्रोपोर्शन और कौन सी दाल लेनी है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आधा कप तुअर दाल लेंगे, 1/3 कप मसूर दाल, 1/4 कप चना दाल एंड 1/4 कप येलो मूंग दाल लेंगे। और सभी दालों को अच्छे से 3 से 4 पानी में वॉश करके धो लेंगे और उसको 5 विसल लगानी है हमें। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद के हिसाब से दाल ले सकते हो, पर इस 4 दालों का मिक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारी दाल खिचड़ी बनके रेडी होती है रेस्टोरेंट स्टाइल, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे एक साइड दाल को उबालने के लिए रख दिया है, उसमें 5 विसल लगाएंगे, और दूसरी साइड मैंने पहले ही पानी उबालने के लिए रख दिया था चावल के लिए। तो पानी उबल के रेडी है, उसमें मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड 1 चम्मच जितना ऑयल डाल दिया है। और जैसे ही पानी उबलता है हम हमारे चावल को वॉश करके उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एक साइड दाल उबलने के लिए रख देंगे और एक साइड चावल उबलने के लिए रख देंगे। तो हमारे चावल उबल के रेडी हो गए, एकदम परफेक्ट खिले खिले लंबे से बने हैं। तो जैसे ही मैंने उसको स्ट्रेन किया, उसके अंदर मैंने ठंडा पानी डाल दिया था जिससे उसकी कुकिंग प्रोसेस अटक जाएगी और हमारा चावल एकदम खिला खिला बनेगा। यहाँ पे हमारी दाल भी उबल के रेडी है, ये एकदम परफेक्ट कुक हुई है 5 विसल में। ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो आप यहाँ पे पानी डाल के उसको थोड़ा सा लिक्विड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट में क्या होता है कि उनके पास दाल उबली हुई अलग से होती है और चावल भी उबले हुए होते हैं। तो अब हमारे पास भी दाल हो गई है और चावल हो गए हैं, तो जब भी हम ऑर्डर करते हैं वो लोग तड़का लगा के हमें दाल खिचड़ी बना के देते हैं। तो अब दाल खिचड़ी के लिए तड़के के लिए यहाँ पे ऑनियन, टमाटर, बेसिक मसाले, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, कसूरी मेथी, धनिया और हमारे दाल और चावल चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, झटपट से बन जाती है पर टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है फ्रेंड्स। और आप इस तरह से एक बार अपने घर में दाल खिचड़ी बना के सबको खिलाएंगे तो आप नहीं मानोगे, वीक में 1 से 2 बार आप खुद से ही बनाओगे और घर में सबकी डिमांड आएगी कि हम दाल खिचड़ी खाएंगे। तो दाल खिचड़ी के तड़के के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और 2 चम्मच घी डालेंगे। जैसे ही घी और ऑयल गर्म होता है उसके अंदर हम 1 चम्मच जितना जीरा डालेंगे। जीरा चटकने के बाद 1 चम्मच राई डालेंगे। जैसे ही राई चटकती है उसके अंदर 1 लाल सूखी मिर्च को तोड़ के डाल देंगे, 8 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे और 1 मीडियम ऑनियन को बड़ा सा रफली चॉप करके उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें ऑनियन को ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस वो ट्रांसलूसेंट होने चाहिए, हमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट ही करनी है। उसके अंदर हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे जिससे हमारी ऑनियन जल्दी से पक जाएगी। बाद में उसके अंदर हम यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को स्ट्रिंग चॉपर में चॉप करके डाल देंगे। यहाँ पे आप हमाम दस्ते में भी पीस के डाल सकते हो। बाद में यहाँ पे हम तड़के में ही 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी डाल देंगे। इस कसूरी मेथी को तड़के में डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। बाद में 1 टमाटर को बारीक चॉप करके भी उसमें डाल देंगे और उसको भी 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा खिचड़ी के लिए तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम उसके अंदर थोड़े से बेसिक मसाले कर देंगे। तो बेसिक मसालों में हम यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर लेंगे, 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर लेंगे, 1 चम्मच जितना रेड काश्मीरी चिली पाउडर लेंगे। यहाँ पे हमने पहले हरी मिर्च का यूज़ किया है और ये रेड काश्मीरी लाल मिर्च हमारी दाल खिचड़ी को अच्छा सा कलर देगी।
तो ये तड़का बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपने देखा ना, दाल और चावल जब रेडी होते हैं तो ये दाल खिचड़ी बनाना बहुत ही ईजी है। अब हम उसके अंदर हमारी जो पकी हुई दाल है वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी दाल का टेक्सचर एकदम परफेक्ट बना हुआ है। तो इस तरह से आपकी दाल गली हुई होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ठीक है, तो यहाँ पे आप पानी डाल के आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। तो दाल खिचड़ी बहुत ठीक भी नहीं होती है और बहुत पतली सी भी नहीं होती है, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी में होती है। तो मैंने यहाँ पे आधा ग्लास जितना पानी डाला है, मुझे थोड़ा ठीक लगा तो, और ये जैसे जैसे उबलेगी थोड़ी ठीक होती जाएगी। तो हमने दाल डाल दी है, अब हमारे चावल भी हम उसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आप लोगों को हम हर रोज़ नई नई रेसिपी शेयर करते हैं जो आप घर के रूटीन में एवरीडे खाना बनाने में यूज़ कर सकते हो। हेल्दी सी झटपट से बन जाने वाली रेसिपी होती है हमारी, प्लीज़ आप हमारे पेज पे जाके देख लेना, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी है। और आपने हमारी 3 से 4 रेसिपी को बहुत ही प्यार दिया है, उसके लिए आपको थैंक यू। अब यहाँ पे हम नमक भी टेस्ट कर लेंगे और लास्ट में हम आधी छोटी चम्मच जितना किचन किंग मसाला डाल लेंगे। तो ये हमारी दाल खिचड़ी बन के रेडी है। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में, एकदम ज़्यादा पतली भी नहीं है, ज़्यादा ठीक भी नहीं है, ये ऐसी ही होती है। उसके ऊपर हम धनिया डाल के गर्मा गर्म पापड़, अचार, ऑनियन, टमाटर के सलाद के साथ हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। जब भी आपको हल्का फुल्का खाना है, लाइट खाना है और टेस्टी खाना है तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।